हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में कुछ भी अगर आप लोग यहाँ पर डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको स्लो डाउनलोड प्रॉब्लम आता है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर रहे हैं और वो जो है बहुत ही स्लो यहाँ पर डाउनलोड होता है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल में जो क्रोम ब्राउज़र है, आप लोग यहाँ पर उसको लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड करिए, क्योंकि कई कई बार जो है आप लोग अगर उसको अपडेट नहीं करते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो आप लोग सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके क्रोम को जो है अपडेट कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन पर जाइए, और यहाँ से आप लोग जो है सी ऑल एप्लीकेशन पर क्लिक करिए, और यहाँ से आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा फोर्स स्टॉप का, तो आप लोग यहाँ पर इसको जो है फोर्स स्टॉप कर लीजिए, और स्टोरेज में जाके आप लोग जो है इसका डेटा क्लियर कर लीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मोबाइल डेटा एंड वाईफाई का ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक करिए, और यहाँ से आप लोगों को बैकग्राउंड डेटा का जो ऑप्शन है ना उसको आपको इनेबल कर देना है। तो बस दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है इतना ही सेटिंग करना है, जिसके बाद यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।